सो गाइज, आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हो ये नॉर्मल लाइट पर शूट किया गया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाथ का कितना डार्क शेडो बन रहा है। सो सॉफ्ट लाइट का यही काम है कि वो आपका ये शेडो को बहुत ही सॉफ्ट कर देगा। सो नेक्स्ट वीडियो सॉफ्ट लाइट का है, आप लोग डिफरेंस देखो। सो ये वीडियो मैं सॉफ्ट लाइट पर शूट किया हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेडो कितना ही एकदम बहुत ही ज़्यादा फेड हो गया, एकदम लाइट शेडो दिख रहा है। सो इसे क्या होगा, आपका जो व्यूअर्स का वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, पूरा फोकस आपके ड्राइंग पे जाएगा। इसीलिए आर्ट स्टूडियो में सॉफ्ट लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को ड्राइंग वीडियो शूट करना पड़ता है। सो उसमें भी अगर शेडो काफ़ी डार्क बनता है तो काफ़ी गंदा लगता है वीडियो देखने में। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप लोग घर में ही सॉफ्ट लाइट बना सकते हो एकदम चीप एंड ईजी मैथड का यूज़ करके। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, सॉफ्ट लाइट बनाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होगा एक ऐसे बॉक्स का। वैसे मैं एक जूते का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी कर सकते हो। सो आप लोगों को इस बॉक्स के पीछे सेंटर पे एक होल कट करना है, लाइक बल्ब का होल्डर निकालने के लिए। सो हम लोग होल कट कर लेते हैं पहले। सो कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो इसके बाद बॉक्स से किसी एक साइड पे आप लोगों को एक विंडो जैसा कुछ कट बनाना है। ये इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस आपको बाद में बल्ब चेंज करने का मन किया या फिर आपका बल्ब ख़राब हो गया तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको पूरा फिर बिगाड़ना नहीं पड़ेगा डब्बा। सो इसके फोल्डिंग एरिया पे आप लोग सेलो टेप साट सकते हो ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे, जल्दी से फट ना जाए। सो गाइस, जहाँ जहाँ मैं कट किया था मैं दोनों साइड से सेलो टेप लगा दिया हूँ, अब फटने का चांस नहीं है, अब ये लंबे समय तक चलने वाला है। गाइस, इसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है, इसे बटर पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। ये आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा 2-3 रुपये में। सो इसे हम लोगों को इस जगह पर ऐसे लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। सो गाइस, बटर पेपर चिपकाने के बाद बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो हमारा लगभग काम फिनिश हो चुका है, अब सिर्फ बल्ब लगाना है एंड होल्डर लगाना है, उसके बाद हमारा काम फिनिश। सो गाइस, बल्ब लगाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि आप लोग जो बल्ब लगाओगे वो सामने से, उसका दूरी कम से कम 1.5 से 2 इंच रहना चाहिए। वो आप लोग पेपर से टच मत कर देना, बटर पेपर से, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। मेरे बॉक्स का लंबाई थोड़ा कम है इसलिए मैं बल्ब को ही बाहर निकाल दे रहा हूँ। मैं होल्डर को अंदर लाने वाला था बट 1.5 से 2 इंच सामने गैप रखना है इसलिए। इसके बाद मैं बल्ब को पीछे से थोड़ा चिपका दे रहा हूँ ताकि ये वापस से अंदर ना चला जाए। सो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर से बल्ब, ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। फाइनल काम ओनली होल्डर लगाना है, उसके बाद हमारा बॉक्स रेडी। सो गाइज, इसके बाद हमारा काम हो चुका है फिनिश, अब चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स चेक इट। सो गाइज, रेडी, 1, 2, 3। सो ये देखो गाइज, क्या ही एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। सो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।